एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं बता दूँ, मैं ठीक नहीं। इसका रीज़न ये है कि एक्चुअली कल किसी फैमिली फ्रेंड का बर्थडे था, हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ से लेट नाइट हम लोग घर पे आए हैं और मेरे को वहीं पे माइग्रेन स्टार्ट हो गया था। और अभी मतलब मैं खुद ही लेट आ सोची हूँ, अभी जब मैं उठी हूँ और सोचा कि चलो चाय के कप के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तो पता चला कि मेरी मेट नहीं आई no! और मेरा पूरा किचन नाच रहा है, पूरा घर फैला हुआ है। और आज ही काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रही थी कि मेरे को मार्केट जाना था, दिल्ली जाना था, मार्केट बटपटगंज जाना था, और किसी तरह से आज प्लान करा भी। और अभी अराउंड 1:30 हो रहा है, मुझे पता चला मेड नहीं है, तो अभी मेरे को ये है कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। और सच बताऊँ, मैं 2 दिन से ट्राई करती हूँ कि एक अच्छा सा ब्लॉग बनाऊँ, आप लोगों के लिए ब्लॉग लेकर आऊँ, बट वो भी नहीं हो पा रहा। तो खैर, अभी देखते हैं, काम घर से बैठती हूँ उसके बाद निकलती। वेल वेल वेल, एट लास्ट मुझे मेड मिल गई। मैंने अपने नेबर से बोला था कि अगर वो कुछ टाइम के लिए अपनी मेड को भेज सके तो मेरे को काफ़ी हेल्प हो जाएगी, और हेल्प भी हुई है। मेरा घर से मच गया है और इनफैक्ट मेरी किचन से मच गई, मेरा पूरा मास्टर था लिविंग रूम वो से मच गया है। और अभी मेरे को इतना टाइम मिल गया एटलीस्ट कि मेरे को 2 दिन से ऑडियोस फाइनल करके आगे फॉरवर्ड करने थे, जिन पर मेरा वीडियो बनना था सॉन्ग्स का, तो वो एटलीस्ट मैं कर पाई हूँ। और अभी जो दूसरा टास्क है वो ये है कि मेरे को मार्केट जाना है, वो ऑलरेडी 3:00 हो चुका है, तो कोशिश ये कि टाइमली मैं निकल सकूँ ताकि टाइमली मैं वापस भी आ पाऊँ। तो मैं तब तक के लिए निकल चुके हैं घर से और लेट हो ही गए हैं। मेरे बेटे ने एक्चुअली उसमें गोपी का भूत आ गया था और उसे मम्मा का मोबाइल में कुछ लग गया था और उसने उसे क्लीन करने की जगह मोबाइल को वॉश कर दिया। वो था ना सीरियल साथ निभाना थी शायद, जिसमें गोपी बहू ने क्या करा था, लैपटॉप को वॉश कर दिया था। अभी हम लोग पहुँच गए हैं पटपरगंज मार्केट। पहले हम लोग यहीं रहते थे, हम लोगों ने कम से कम 8 साल यहीं पे बिताए हैं। और मैं अभी भी अगर बोले ना, हमें कभी कोई चीज़ लेनी होती है, मतलब मुझे पर्सनली, तो मतलब मैं यहाँ पे आती ज़रूर हूँ। तो मोस्टली सब लोगों के साथ होता होगा कि ऐसा होता है कि हम जहाँ इतना टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं, इतने टाइम तक रह चुके होते हैं, उसके बाद हम अगर कहीं पे शिफ्ट कर जाएं, लेकिन एक कंफर्ट जोन सा बन जाता है। आपको पता होता है कि आप जहाँ रहते थे वहाँ पे मार्केट में कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी, कैसी क्वालिटी मिली, कौन सी शॉप अच्छी है, कहाँ से आपको क्या चीज़ खरीदनी चाहिए। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, तो हम लोग भी मतलब मेरे को भी पर्सनली होता है कि कोई फेस्टिवल हो, कुछ हो, तो मैं यहाँ पटपटगंज एक्सचेंज करना है, तो फिर मतलब मेरे से अच्छा नहीं लग रहा मुझे किसी जगह से पौधे फरवा। ठीक है, बहुत अच्छे स्मार्ट ले लो, ये एक्सेस मॉल में ना, एक्सेस मॉल में पेटी में कुछ घूम रहा है, इसमें टमिक का बहुत देखो है, मैं इसमें टमिक दे दीजिए। ठीक है, आप ये दे दो मेरे को। और बताएं, और क्या देना? और मेरे को टी-शर्ट्स दिखा दो। टी-शर्ट्स तो अभी समर में आई हैं हमारे पास, समर में अभी टॉप वगैरह नहीं है। नहीं, हमने तो सब विंटर से स्टार्ट किया ना, तो हमारा सारा विंटर स्टॉक है। टाइम भी आए थे राजी के पास, बहुत अच्छी वैरायटी रखी हुई है इन्होंने। मार्केट पार्शली ओपन थी तो बहुत सारी चीजें थी जो मुझे खरीदनी थी, मैं नहीं खरीद पाई। और दूसरा, मम्मा का सर्विसिंग सेंटर, जो मम्मा के मोबाइल का सर्विसिंग सेंटर हम लोग ढूंढ रहे थे, वो भी यहाँ पे कहीं पे नहीं है। और वो है तो वो नोएडा में है, तो वापस हम लोगों को नोएडा जाना ही है। तो अब मम्मी का मोबाइल देंगे वहाँ पे, अगर सही हो जाता तो ठीक है, वरना फिर नया लेंगे। और सोचा फिर अगर यहाँ पे शॉपिंग नहीं हो पाई तो वहाँ पे जाके शॉपिंग कर लूँगी। मम्मी के मोबाइल का सर्विसिंग सेंटर,
रोमिला है वो मिला है हमें एक गार्डन गैलरी है ना, पर देखिए यहाँ से मॉल का अगर लुक देखिए, मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ सर, क्या मतलब व्यू है। शॉपिंग तो नहीं हो पाई, बच्चों का बहुत कॉल आ रहा था, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। एनीवे अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम से ही। बट एक चीज़ मैं आपको फिर दोबारा याद दिलाने चाह रही थी कि जो चैलेंज हम लोगों ने लास्ट टाइम ना लास्ट व्लॉग में बताया था और वो जल्द ही आप लोगों के सामने होगा, तब तक प्लीज़ मेरे व्लॉग को जितना हो सके शेयर करिएगा और जितना हो सके सब्सक्राइब करवाइएगा, और आप भी करिएगा, कमेंट करिएगा, साथ में जरूर रहिएगा, बी कनेक्टेड। ओके तब तक के लिए बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, गुड नाइट।